खोज खबर स्पेशल में आज बात होगी हिंद के बाहुबली ब्रिज की। आजकल के माहौल में जब कश्मीर की बात होती है तो बात पाकिस्तान की साजिशों की होती है, आतंकी घटनाओं की होती है और कुछ इसी तरह की नकारात्मक बातों पर खत्म हो जाती है। लेकिन आज हम आपको उस कश्मीर के सफर पर ले चलेंगे जो तरक्की के रास्ते पर उड़ान भर रहा है। आज हम आपको कश्मीर के उस हिस्से में लेकर चलेंगे जहां दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल को तैयार करने का काम जोर शोर से चल रहा है। न्यूज नेशन की टीम ने चेनाब नदी पर बन रहे एफिल टावर से ऊंचे रेलवे पुल के निर्माण कार्य का रियलिटी चेक किया। चेनाब पर बन रहे ये ब्रिज हिंद का बाहुबली है। इस ब्रिज के बाहुबली कहने की वजह है इसके 17 विशाल पिलर। ये पिलर कुतुब मीनार से भी ऊंचे हैं। तो सबसे पहले आपको इस ब्रिज का दीदार कराते हैं। एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा रेलवे ब्रिज, कुतुब मीनार से भी 5 गुना ऊंचा रेलवे पुल। ये जो आप पिलर्स देख रहे हैं इस केबल क्रेन के, इनकी लंबाई भी 127 मीटर की है जो कुतुब मीनार की लंबाई से भी ऊंची है। दुनिया के सबसे ऊंचे चीन के शुईबाई रेलवे पुल से ऊंचा रेलवे पुल। इस समय हम जम्मू के रियासी में चेनाब नदी पर बन रहे दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर मौजूद है। जम्मू कश्मीर में कटरा से बनिहाल के बीच 111 किलोमीटर रेल लिंक पर जब चेनाब नदी के ऊपर ये ब्रिज बनकर तैयार होगा तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज होगा। न्यूज नेशन की टीम ने चेनाब नदी के ऊपर बन रहे दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल की मेकिंग का रियलिटी चेक किया है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि जम्मू के रियासी इलाके में किस तरीके से दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का काम चल रहा है और कैसे आने वाले कुछ सालों में ये रेलवे ब्रिज और इस पे बनने वाली रेलवे लाइन जम्मू कश्मीर के लोगों की तकदीर बदल देगी। ये पुल कोंकण रेलवे की परियोजना का हिस्सा है। इस पुल का निर्माण 2021 तक पूरा कर लिए जाने का टारगेट है। ये पुल बारामूला को उधमपुर, कटरा, काजीगुंड के रास्ते जम्मू से जुड़ेगा, जिसके बाद बारामूला से जम्मू का सफर 13 घंटे से घटकर 6.5 घंटे का रह जाएगा। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चेनाब नदी के ऊपर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज को बनाने का काम जोर शोर से चल रहा है। रेलवे के इंजीनियरों ने उस आर्क को करीब आधा तैयार कर लिया है जिस पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया जाना है। मेरे पीछे जो आप ये ब्रिज देख रहे हैं ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है जो रियासी के कोड़ी में यहाँ पर तैयार किया जा रहा है और लगातार 24 घंटे इस ब्रिज पर को काम है वो यहाँ पर चल रहा है और इस ब्रिज को यहाँ पर आर्क शेप जो है वो यहाँ पर दी गई है और इस ब्रिज को बनाने के लिए बाकायदा पहले एक कॉन्क्रीट का बेड जो है वो यहाँ पर तैयार किया गया है और ये जो कंक्रीट का बेड आप अपनी तस्वीरों में यहाँ पर देख रहे हैं ये बेड जो है जो फुटबॉल का ग्राउंड होता है उसका आधा हिस्सा इस पूरे कंक्रीट बेड को उसमें रखा गया है। ये जो केबल क्रेन है ये भी दुनिया में सबसे बड़ी केबल क्रेन है जिसकी जो लेंथ है वो 915 मीटर्स की है और इसके केबल क्रेन के लिए जो पायलन लगाए गए हैं उसकी जो हाइट है वो 127 मीटर की है जो कुतुब मीनार से भी ऊंची है। बोल्ट्स जो हैं उसका इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर स्टील को जोड़ने के लिए किया जा रहा है। जो यहाँ पर कंक्रीट का बेड बनाया गया है और स्टील को जोड़ा गया है उसमें ये जो बोल्ट हैं 7 मीटर और 9 मीटर लंबे बोल्ट जो हैं उसका इस्तेमाल भी किया गया है ताकि किसी तरह का नुकसान जो है वो इस ब्रिज को यहाँ पर ना पहुँचे। चेनाब पुल की ऊंचाई नदी के तल से 360 मीटर ऊंची होगी। इस पुल की कुल लंबाई 1315 मीटर होगी। पुल को नदी के दोनों छोरों के बीच स्टील के आर्क यानी अर्धचंद्राकार आकार से जोड़ा जाएगा। पुल के निर्माण में कुल 24,000 टन स्टील का इस्तेमाल होगा। खास तरह का ये स्टील -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक को झेलने की क्षमता रखता है। इस पुल को बनाने में करीब 1100 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
चिनाब नदी पर बनाया जा रहा दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज फौलाद के 17 खंभों पर टिका होगा। किसी भी तरह का यहाँ पे अगर ब्लास्ट होता है तो इस ब्रिज को यहाँ पर कोई भी फर्क जो है वो यहाँ पर नहीं पड़ने वाला है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में लगातार अर्थक्वेक्स जो हैं वो आते रहते हैं और अर्थक्वेक की वजह से कई बार यहाँ पर नुकसान भी हुए हैं, लेकिन ये ब्रिज जो है ये अगर 8 से ज़्यादा का भी यहाँ पर अर्थक्वेक आता है तो उसको भी यहाँ पर सहने की कैपेसिटी जो है वो यहाँ पर रखता है। हवा जो है वो यहाँ पे 266 जो यहाँ पर उसकी रफ्तार है होती है तो उससे भी जो इस ब्रिज को कोई असर जो है वो यहाँ पर नहीं पड़ने वाला है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट ये ब्रिज है। खुद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो लगातार इस ब्रिज पर यहाँ पर नज़र रख रहे हैं। पल पल का अपडेट जो है वो रेलवे मिनिस्ट्री पर यहाँ पहुँचता है। जम्मू कश्मीर में बन रहे दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल का निर्माण दिसंबर 2021 तक पूरा हो जाएगा। सरकार ने इसके लिए आखिरी समय सीमा तय कर दी है। इस पुल के बनने के बाद ट्रेन से कश्मीर घाटी जाने का रूट खुल जाएगा। कुंकर रेलवे का यह प्रोजेक्ट देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी तरह का अनोखा है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं कि चिनाब नदी के ऊपर बन रहा यह ब्रिज कितना ऊंचा है। आइए देखिए, यहां पर ग्राफिक्स देखिए। देखिए ये ब्रिज 359 मीटर ऊंचा है। आप देख सकते हैं किस तरह की पहाड़ियां और किस तरह से एक आर्क शेप बनाया गया है। आगे मैं आपको समझाऊंगा। और ये नीचे चिनाब नदी बह रही है। सोचिए 359 मीटर, जब आप इस ऊंचाई से नीचे देखेंगे तब शरीर में शहरन आ जाएगी। एफिल टावर से भी ऊंचा है। आप सोच सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए एफिल टावर से ऊंचा है 359 मीटर और एफिल टावर की ऊंचाई मात्र 324 मीटर है। यानी हिंदुस्तान अब फ्रांस से भी आगे होने जा रहा है ऊंचाई के इस नया पुल के मामले में। 35 मीटर ऊंचा है एफिल टावर से। आप ये देख सकते हैं इतना अंतर इस ब्रिज का एफिल टावर से है। और एफिल टावर तो जमीन पर बना हुआ है, ये दो पहाड़ियों के बीच बन रहा है और बीच में नदी बह रही है। आप देखिए कितना शानदार नमूना है। इसको देखिए, कुतुब मीनार से अगर हम इसको कंपेयर करें, कुतुब मीनार भारत की शान 73 मीटर की है मात्र। कुतुब मीनार से 5 गुना ऊंचा। कुतुब मीनार भी बनी है जमीन के ऊपर, लेकिन ये दो पहाड़ियों पर बना हुआ है और बीच में नदी बह रही है। और कुतुब मीनार के ऊपर चढ़ के कोई रेलगाड़ी नहीं गुजरती, इसके ऊपर से एक रेलगाड़ी भी गुजरेगी। आप अंतर समझ सकते हैं और समझ सकते हैं कि आर्किटेक्ट का और इंजीनियरिंग का कितना बेहतर नमूना होगा। न्यूज नेशन ने जब चिनाब पर बन रहे दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज का जायजा लिया तो हमारे मन में इसकी सुरक्षा को लेकर तमाम चिंताएं थी, लेकिन धीरे धीरे हमारी चिंताएं दूर होती गई। इसकी सुरक्षा के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। दुनिया के इस सबसे ऊंचे रेल ब्रिज का निर्माण अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान शुरू हुआ था। साल 2003-2004 में चिनाब रेल ब्रिज के निर्माण का काम शुरू हुआ, लेकिन साल 2008 में असुरक्षित बताते हुए इस पुल का काम रोक दिया गया। साल 2010 में पुल का काम फिर से शुरू हुआ। अब यह पुल नेशनल प्रोजेक्ट घोषित हो चुका है और मोदी सरकार ने इस प्रोजेक्ट को साल 2021 तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उम्मीद है अब की बार इसकी डेडलाइन मिस नहीं होगी। हिंद के हौसले का नमूना है चिनाब रेल पुल। हिंदुस्तान की तकनीकी क्षमता का शानदार उदाहरण है चिनाब रेल ब्रिज। जम्मू कश्मीर को विकास के रास्ते पर लाने के मोदी सरकार के प्रण की तस्वीर है चिनाब रेल पुल। जन्नत में सच होती विकास की तस्वीर का सबूत है चिनाब रेल ब्रिज। दो पहाड़ों के बीच बहती चिनाब से 359 मीटर ऊंचाई पर बनाया जा रहा दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज हिंदुस्तान की इंजीनियरिंग कारीगरी का शानदार नमूना है। चिनाब के ऊपर स्टील के आर्क का आकार 1300 मीटर है, वहीं आर्क स्पैन 485 मीटर का है। रेलवे के 167 साल के इतिहास में ये पहला ऐसा पुल है जिसके 915 मीटर स्पैन में केबल क्रेन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। इतने लंबे स्पैन पर केबल क्रेन तकनीक दुनिया में कहीं भी इस्तेमाल नहीं की गई है।
रियासी के कोड़ी में बन रहे चिनाब ब्रिज की लंबाई 1.3 किलोमीटर की है, जिसमें से आधा ब्रिज जो है वो बनकर तैयार हो गया है। और ये जो पूरा ब्रिज है इसे 17 पिलर्स पे यहाँ पर तैयार किया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके के पिलर्स जो है वो इस ब्रिज के लिए यहाँ पर बनाए गए हैं। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो यहाँ पर रेलवे लाइन का जो बेड है वो भी यहाँ पर डाल दिया गया है। आधे से ज़्यादा ये ब्रिज जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जो चिनाब नदी का पोर्शन है जहाँ पे आर्क ब्रिज जो है वो बनाया जा रहा है फिलहाल, उस पर ये काम जो है वो यहाँ पर चल रहा है। लेकिन ये जो आप यहाँ पर ऊपर केबल क्रेन देख रहे हैं, यही वो केबल क्रेन है जो इस पूरे प्रोजेक्ट में सबसे अहम कड़ी है। दरअसल ये जो केबल क्रेन है ये यहाँ पर इसकी जो लंबाई है 915 मीटर है, ये भी अपने आप में दुनिया में एक पहली केबल क्रेन है जो सबसे ऊंची केबल क्रेन जो है वो इस प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर तैयार जो है वो यहाँ पर की गई है। ये जो आप पिलर्स देख रहे हैं इस केबल क्रेन के, इनकी लंबाई भी 127 मीटर की है जो कुतुब मीनार की लंबाई से भी ऊंची है। रेलवे ने इस ब्रिज में हवा की तेजी पता करने के लिए सेंसर भी लगाए हैं। जैसे ही हवा की रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा होगी सिग्नल रेड हो जाएगा ताकि ट्रेन को रोका जा सके। ये स्ट्रेच ये बहुत डिफिकल्ट स्ट्रेच है। ये 111 किलोमीटर के अंदर एक चनाब ब्रिज आता है और एक वो ब्रिज है। ये फर्स्ट टाइम हम लोग केबल स्टे रेलवे ब्रिज बना रहे हैं, ये फर्स्ट टाइम इन द कंट्री। ये लेंथ में टोटल 111 किलोमीटर में 97 किलोमीटर गोस इन द टनल में। आतंकी हमलों के मद्देनजर ब्रिज में 63 मिलीमीटर यानी 6 इंच से ज्यादा मोटा ब्लास्ट प्रूफ स्टील लगाया गया है। इसके पिलर भी इस तरह डिजाइन किए गए हैं कि ये धमाके को सहन कर सकें। जंग से बचने के लिए इस पर खास तरह का पेंट किया गया है जो 15 साल तक चलेगा। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि 21 के अंत तक ये बन जाए, पूरी कोशिश है और इसमें हम पूरे तात्पर्य से पूरे जोश से लगे हुए हैं। हमारी आशा है कि हो जाएगा। इस ब्रिज में एक ऑनलाइन मॉनिटरिंग और वार्निंग सिस्टम भी लगाया जाएगा ताकि पैसेंजर्स और ट्रेन की मुश्किल हालात में हिफाजत हो सके। इसमें पैदल और साइकिल से चलने वालों के लिए भी अलग से रास्ता होगा। इस ब्रिज की देखभाल के लिए इसमें एक रोप वे भी बनाया जा रहा है। इसकी सिक्योरिटी के भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। ये जो सब लोग आप यहाँ पर देख रहे हैं यही वो लोग हैं जो इस रेलवे ब्रिज को यहाँ पर बना रहे हैं और लगातार 24 घंटे इस ब्रिज पर काम जो है वो यहाँ पर चल रहा है। खास बात यह है कि इस ब्रिज में यहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है उसको यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर रोजगार मिला है और वो यहाँ पर पिछले कई सालों से काम जो है वो कर रहे हैं। सर, ये ब्रिज बनने के बाद तो लोकल पॉपुलेशन जो भी है उनको रोजगार वगैरह मिला है। दुनिया की नजर है क्या, आपको लगता है कि आपके कंधों पे भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि मतलब आपको बनाना है इस पूरे उसमें? जी सर, जरूर जरूर। आपको भी लगता है? हाँ जी सर, जरूर ये लगता है कि आपके कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी। हाँ जी सर, सब मिलकर लगे हुए हैं सर। चिनाब नदी पर ब्रिज बन रहा है, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज, उसको यही लोग सब मिलकर जो है वो यहाँ पर बना रहे हैं और पूरी कोशिश है इन लोगों की भी कि जल्द से जल्द ये ब्रिज जो है वो कंप्लीट हो जाए और यहाँ के जो लोग हैं उसको भी इससे यहाँ पर फायदा मिले। जम्मू कश्मीर अब बदलाव की राह पर निकल चला है। अब यहाँ अलगाव के नारे नहीं अमन का राग है। अब ये राग पूरी दुनिया सुन रही है। पाकिस्तान के सारे प्रोपेगेंडा को नाकाम करने के लिए अलग अलग देशों के 16 खास मेहमान कश्मीर दौरे पर हैं। पिछले 3 महीने में ये दूसरा मौका है जब विदेशी मेहमानों ने यहाँ आकर लोगों से मुलाकात की और बदलते जम्मू कश्मीर के हालात को समझा और महसूस किया। ये तस्वीरें इमरान खान को परेशान करने वाली हैं। ये तस्वीरें बाजवा की बोलती बंद करने वाली हैं। ये तस्वीरें शाह महमूद कुरैशी के प्रोपेगेंडा को तार तार करने वाली हैं। ये नया जम्मू कश्मीर है, वो जम्मू कश्मीर जहां अमन का राग है, तरक्की की ख्वाहिश है और 16 देशों के खास मेहमान इस नए जम्मू कश्मीर में बदली फिजा का जायजा लेने पहुंचे हैं। दौरे के दूसरे दिन जम्मू के एक होटल में इन खास मेहमानों ने अलग अलग संगठनों के लोगों से बातचीत की, फिर कश्मीरी पंडितों का दर्द भी बांटा।
जम्मू कश्मीर के अंदर जो फॉरेन डिप्लोमेट्स आए हैं, कश्मीर घाटी के अंदर जो आम लोग उनसे मिले हैं, आम लोग, उन्होंने बहुत प्रशंसा की है केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की। जम्मू कश्मीर की जनता अमन चाहती है, शांति चाहती है, भाईचारा चाहती है, विकास चाहती है और भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर चाहती है। 3 महीने में ये दूसरा मौका है जब विदेशी मेहमानों ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया हो। पिछले साल 29 अक्टूबर को यूरोपीय यूनियन के 23 सांसदों ने कश्मीर का दौरा किया था और घाटी के मिजाज से रूबरू हुए थे। तब विपक्ष ने आरोप लगाया था कि ये सब विदेशी सांसद राइट विंग समर्थित पार्टियों के हैं और उनके नजरिए पर सवाल उठाए थे, लेकिन आज अमेरिका से अफ्रीका तक के राजनयिकों का दल हाल कश्मीर जानने पहुंचा है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद से मोदी सरकार इस इलाके में विकास की गति को रफ्तार देने में जुटी है। ग्राम पंचायतों के जरिए जम्मू कश्मीर के गांव-गांव तक विकास की रोशनी पहुंचाने की कवायद शुरू की गई है। हालांकि सच तो यह है कि मोदी सरकार अपने पहले कार्यकाल में ही जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर संजीदगी से जुट गई थी। सालों से लटका पंचायत चुनाव करवाना हो या फिर हजारों करोड़ के पैकेज का ऐलान करना हो, मोदी सरकार ने कभी भी जम्मू कश्मीर को विकास के रास्ते से दूर होने की कोशिश नहीं करने दी या विकास के रास्ते पर लगातार लगाए रखा। अब जब जम्मू कश्मीर के लिए धारा 370 बीते दिनों की बात हो चुकी है और वो केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, तो इस इलाके में विकास के नए रास्ते खोले जा रहे हैं। कैसे, आइए देखते हैं। 5 अगस्त 2019 वो तारीख है जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया गया था। नासूर बन चुके धारा 370 को खत्म करने के बाद मोदी सरकार जम्मू कश्मीर में विकास को रफ्तार देने में जुट गई है। प्रधानमंत्री मोदी कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि जम्मू कश्मीर का विकास देश की तरक्की के लिए बड़ी अहमियत रखता है। जम्मू कश्मीर इस न्यू इंडिया का सबसे चमकता सितारा बन सकता है। कोई वजह नहीं कि जम्मू कश्मीर में देश के सबसे अच्छे शिक्षा संस्था, सबसे अच्छे अस्पताल, सबसे अच्छी सड़कें, सबसे आधुनिक एयरपोर्ट क्यों न हो। कोई वजह नहीं कि यहाँ के हमारे बच्चे अच्छे डॉक्टर न बने, अच्छे इंजीनियर न बने, अच्छे प्रोफेसर न बने, अच्छे वकील न बने, अच्छे अधिकारी न बने। कोई कारण नहीं है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर के विकास के लिए मोदी सरकार ने अहम काम किए हैं। उनमें ग्राम पंचायतों के विकास के लिए 4,483 पंचायतों को 366 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। 634 ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ने का फैसला लिया गया है। हर जिले में 2 डिजिटल गांव बनाने का ऐलान किया गया है। आधार कार्ड से सभी सरकारी योजनाओं को जोड़ने का ऐलान कर मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में करप्शन पर बड़ी चोट की है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने से पहले भी मोदी सरकार ने इस सरहदी सूबे में विकास की गंगा बहा दी थी। पिछले 6 सालों में मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए जो बड़े कदम उठाए हैं, उनमें अक्टूबर 2018 में मोदी सरकार ने पंचायत चुनाव करवाए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जम्मू कश्मीर में 1,632 किलोमीटर सड़क बनाई गई। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए अतिरिक्त 3,700 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। अप्रैल 2017 में देश की सबसे बड़ी चेनानी नाशरी सुरंग के उद्घाटन के जरिए घाटी को घूमने के लिए दूसरे हिस्सों से जोड़ने की कोशिश कामयाब हुई है। 2016 में जम्मू कश्मीर के लिए 80,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया। उधमपुर कटरा रेल लाइन को हरी झंडी दिखाई गई। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। साथियों, बहुत सारी शक्तियां हैं जो नहीं चाहती कि जम्मू कश्मीर का विकास हो, यहाँ के लोगों का जीवन खुशहाल हो, लेकिन साथियों, हमें इन विदेशी ताकतों को जवाब देते हुए आगे बढ़ते रहना है। निरंतर ऐसे नौजवानों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रही है जो विदेशी दुष्प्रचार से प्रभावित होकर अपनी ही पवित्र धरती पर प्रहार कर रहे हैं।
चिनाब नदी पर बन रहा दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज इंजीनियरिंग का शानदार नमूना है। दुनिया भर के ऐसे कई ब्रिज हैं जो देखने वालों को रोमांचित कर देते हैं। इन पुलों पर अच्छे अच्छों के हौसले पस्त हो जाते हैं। एक साथ हम आपको दिखाते हैं विश्व के ऐसे अजूबे ब्रिज जिनका सिरमौर बनने जा रहा है हिंद का बाहुबली। अगर आपको लगता है कि आप ऊंचाई से नहीं डरते, अगर आपको लगता है कि आपके पास इनसे ज्यादा हिम्मत है, अगर आपको लगता है कि ऊंचाई पर किसी के पैर ऐसे नहीं कांप सकते, तो आइए सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर अपने हिम्मत और हौसले को आजमा लीजिए, क्योंकि इस ऊंचाई पर अच्छे अच्छों की हालत पतली हो जाती है। यह है चीन का शीशे का पुल। यहाँ आकर एक से एक धुरंधरों की हिम्मत कांच की तरह टूटती है और वो या तो उछल पड़ते हैं जैसे ये भाई साहब। चीन का शीशे का ब्रिज दुनिया का सबसे लंबा और ऊंचा शीशे का पुल है। ग्लास ब्रिज 980 फीट ऊंचा और 1400 फीट लंबा है। मेटल फ्रेम पर 120 ग्लास पैनल लगे हुए हैं। हर एक ग्लास पैनल तीन स्तर का होता है, जिसमें 2 इंच मोटा टेम्पर्ड ग्लास लगा हुआ है। गहरे नीले समंदर के बीच इस पुल से गुजरने का एक्सपीरियंस जितना शानदार है उतना थ्रिलिंग भी। 7 माइल ब्रिज की कुल लंबाई 10,887 मीटर यानी करीब 7 मील और चौड़ाई 11.58 मीटर है। पुल के दो हिस्से हैं, एक नया हिस्सा जिससे गाड़ियां गुजरती है और दूसरा पुराना जो पैदल और साइकिल से चलने वालों के लिए होता है। सफेद बर्फ से ढके पहाड़ और जमा देने वाली ठंडी हवा के बीच टिका है ब्रिज। इस ब्रिज तक पहुंचने के लिए पहले टिटलिस पहाड़ पर चढ़ना होता है। एक ग्लेशियर गुफा से गुजरते आप इस पुल तक पहुंचते हैं। टिटलिस ब्रिज समुद्र तल से 3000 मीटर यानी 10000 फीट की ऊंचाई पर बना है। इसकी लंबाई 330 फीट लेकिन चौड़ाई है महज 1 मीटर। पुल के दोनों तरफ की बर्फ और गाड़ी धुंध के बीच पुल से गुजरने का अनुभव सेंसेशनल होता है, क्योंकि सामने कुछ नहीं दिखता। ब्रिज का दूसरा हिस्सा एक कैसल से जुड़ता है।